Hello friends, you are welcome in BSD InfoTech. In this video, I explain you how to create or edit item subgroup in club software. तो दोस्तों होता क्या आइटम को कैटेगराइज करने के लिए हमें आइटम्स को ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर डिफाइन करना पड़ता है पहले. तो देखिए हम कैसे आइटम्स का जो है सब ग्रुप यहाँ पर क्रिएट करते हैं. हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर में लॉग इन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर और यहाँ पर आइटम सब ग्रुप पर हम क्लिक करेंगे. आइटम सब ग्रुप पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है ये ओपन हो जाता है. यहाँ पे देखो आइटम ग्रुप का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है. यहाँ से हम जो है आइटम ग्रुप के अंदर पहले उसे मैप करेंगे. यहाँ पे मैंने आइटम ग्रुप जो है सिलेक्ट कर दिया. अब यहाँ पे मैं आइटम का सब ग्रुप बना देता हूँ. जैसे कि मैं बना देता हूँ बियर टेस्ट. तो यहाँ पे मैंने जो सब ग्रुप बनाया है वो मैंने बार टेस्ट के अंदर मैंने मैप कर दिया है यहाँ पे, और इसे मैं सेव के बटन से क्लिक करते ही इसे सेव कर दूंगा. तो सेव करने के बाद देखो ये डाटा मेरा यहाँ पे ग्रिड में आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा बियर टेस्ट. अब मुझे इसे एडिट करना है तो मैं इस रो पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये डेटा जो है मेरा दोबारा से यहाँ पे आ जाता है. अब बाय चांस हो सकता है कि मुझे आइटम का ग्रुप चेंज करना हो और आइटम का सब ग्रुप भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसे चेंज करके अपडेट वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा. जैसे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैं इसे रख देता हूँ. और मुझे यहाँ पर देखो ग्रुप चेंज करना है तो मैं ग्रुप भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं ग्रुप चेंज नहीं कर रहा इसमें, और फिर मैं इसे यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ. तो दोस्तों देखो अपडेट करने पे जो है ये देखो यहाँ पे जो सब ग्रुप है वो हमारा अपडेट हो चुका है. तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि जो आइटम्स का सब ग्रुप है वो उसका इस्तेमाल किस लिए होता, मतलब वो यूज किस लिए होता है, और दूसरा हमने इसमें आइटम के सब ग्रुप को ऐड करना सीखा और उसे एडिट करना सीखा. तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.